आज अपना आंगूर कर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम लोग आम आदमी पार्टी से नाला सोपारा। अभी हम लोग नगर पालिका प्रभाग समिति ई जो फनफिस्टा रोड पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आए हैं कि माता की हम लोग है, कुछ कार्यकर्ता है नाला सोपारा। हम लोग यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हैं, झोपो आंदोलन। जैसे कि नगर पालिका भी यहाँ पे सो रही है, अगर नगर पालिका के अधिकारी सो रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ने भी सोने का निश्चय किया है कि अब हम लोग भी इधर सोने वाले हैं। यहाँ पे सारे सो रहे हैं, उधर लगा उधर, क्योंकि हमारे अधिकारी भी यहाँ पे सो रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे सोएंगे, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा है हमारा। नगर पालिका को हमने बड़ी मात्रा में लेटर दिया जिसका फाइल है हमारे पास, और कोई भी काम करने के लिए नगर पालिका के अधिकारी नहीं है। और रात को 10 बजे दिया गया 25 तारीख को लेटर दिसंबर को, और कल रात को 10 बजे नगर पालिका से लेटर आता है मनोज बनवाली के नाम से, जो प्रभाग समिति ई के आयुक्त है। मैं ये पूछता हूँ कि सर 10 बजे रात को लेटर कौन लेके आता है, वो भी गवर्नमेंट का, महानगर पालिका का। अगर कोई भी लेटर आता है तो पोस्ट के थ्रू आना चाहिए, ये ऐसा तो लेटर नहीं आना चाहिए, पोस्ट के थ्रू आता है ना। लोकल लोग अगर लेटर ले आके दे रहे, मतलब कि जो नगर पालिका की सत्ता है वो लोकल चंद चुनिंदा लोगों के हाथ में है या जनता द्वारा चुने गए लोगों के हाथ में है। मैं ये सवाल करता हूँ प्रभाग समिति आयुक्त मनोज वनवाली जी से कि जो हो रहा है ये सही है क्या? ये प्रभाग समिति का कार्यालय है फनफिस्टा, ये देखिए, ये कोई भी काम नहीं करते हैं। आज हमारा नाला सोपारा ईस्ट की हालत फुटपाथ की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अवैध तरह से मार्केट लगाया जाता है, और जिसके लोकल लोग उसके चार्जेस बड़ी मात्रा में वसूलते हैं, और नगर पालिका का जो लीगल है वो तो 40 रुपीज़ समझ में आता है, पर अवैध मार्केट वसूली जाती है। अवैध तरह से पैसा लोग कमाने का धंधा बनाया है लोगों ने। आज हम लोग आम आदमी पार्टी से यहाँ पर है, बैठे हैं नगर पालिका के गेट के जस्ट सामने। यहाँ पे हम लोग सो रहे, क्यों नगर पालिका भी सो रही है या अधिकारी भी सो रही है, कि पैसा किससे लेते हैं? आम जनता के टैक्स का पैसा लेकर इनसे इनको पगार मिलता है, इनको जनता की सुरक्षा करने के बजाय ये अपने जेब भर रहे हैं। अवैध चीज़ों को ये लोग रोकते नहीं हैं, अगर कोई शिकायत करे तो उस पर ये सुनवाई नहीं करते हैं। बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार वसई विरार महानगर पालिका के द्वारा फैलाया जा रहा है, और इसमें इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, भारत माता की जय, जिंदाबाद। ये हमारे युवा आघाड़ी के अध्यक्ष चेतन मक्षा। सर, ये आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं? आज यहाँ पे सोने का मुद्दा ऐसा है कि नगर पालिका पूरी तरीके से सो चुकी है, उनको कोई भी काम करने का कोई भी जाग नहीं आ रही है। हर पत्र देखे, 10 पत्र से ऊपर हम लोग ने पत्र दे दिया, फिर भी उनको जाग नहीं आ रही है, नींद में से उठ नहीं रहे। इसलिए हम लोग ने आज तय किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब तक ये कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हमें उनकी तरह हम भी यहाँ पे सोए रहे। यस, मतलब नगर पालिका के अधिकारी सो रहे हैं और सुनवाई किसी प्रकार की नहीं कर रहे, प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही, ये हमारा जाहिर निषेध। आपने कितना लेटर दिया है प्रभाग समिति को? लेटर दिए 10 से ऊपर लेटर दिए, सारे बंच मेरे पास है, सारे कॉपी मेरे पास। यस यस, किसको दिया? प्रभाग समिति के आयुक्त है, उनके नाम से सारे लेटर दिए गए हैं, लेकिन एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन मिला है कि कार्रवाई करेंगे करेंगे, और काम नहीं करते लोग, किसी प्रकार के काम नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है आपको। ओके सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव खेड़ेकर है। yes. माजरा वैभव खेड़ेकर, आम आदमी पार्टी विरार शहर अध्यक्ष। okay. सर, यहाँ पे आप क्यों आए? अधिकृत फेरी वाले यांनी जाहीर केलेले आहेत 3,700 जवळजवळ 750 आधी अधिकृत फेरी वाले आहेत। yes. परंतु त्यांचं नियोजन यांनी केलेलं नाही आहे। yes. आणि त्यांच्याकडून परत जर फिरते फेरीवाले आहेत, जे इल्लीवाले आहेत, अजून बरेचसे असे फिरते फेरीवाले आहेत, त्यांच्याकडनं दरमहा अवैधरित्या 1,000 रुपये वसूल केले जातात, प्लस 30 रुपयाची पावती किंवा 40 रुपयाची पावती फाडल्यानंतर सुद्धा त्यांना अधिकृतरित्या पिटाळलं जातं। yes, yes. म्हटल्यानंतर पैसे घेऊन सुद्धा हे लोक गाडी फेरीवाला आल्यानंतर त्यांचं भयंकर नुकसान करतात, ते अत्यंत दुःखदायक आणि भयानक आहे।
ओके, मतलब नगर पालिका के द्वारा बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और ये वसई विरार में आए दिन ये न्यूज आती है कि कुछ अवैध काम या अवैध तरह से मार्केट, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है वसई विरार के अंदर, यह सही है? बिल्कुल सही है। कारण का माहिती काय, जेव्हा नवीन प्रशासन सुरू झाल्यापासून 2-3 वर्ष झालेले आहेत, प्रशासनाने आयुक्ताने अनिल पवार साहेबांनी बीट तयार केले होते अधिकृत बांधकामासाठी, त्या बीटचं अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारचं कुठेही बीट त्यांची चालू झालेली नाही, चौकी चालू झालेली नाही, त्यासाठी मला वाटतं जे अधिकृत याच्यामध्ये आपले जे सैनिक पेशातले जे लोक आहेत त्यांच्याकडे नियुक्त करणार होते, त्यांची नियुक्तीचं पण काय झालेलं अजून अंधारातच आहे। ओके सर, सर आप यहाँ पे आज महानगर पालिका के गेट के जस्ट सामने आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर जमा है और यहाँ पे आप सो रहे हो सर, इसका कारण क्या है सर, यह करना पड़ रहा है आपको? अरे सोने दो यार, सरकारी कर्मचारी सोएगा नहीं तो कौन सोएगा सर, पर ये ऐसा नगर पालिका के सामने? अरे क्या है, अभी अपने आयुक्त जो है उनको कल एक पुरस्कार मिल गया लोकमत द्वारा, सुंदर शहर बनाने का पुरस्कार मिला उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ से। ओके सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उनको, आयुक्त साहब को और फडणवीस साहब को भी, कि हमारे शहर में जरा झांक के देखो, जो आपके कर्मचारी सोए हैं उनको जगाओ, उनको बोलो कि आप शहर में घूमो और जहाँ जहाँ आप जो ब्यूटीफुल सिटी बना रहे लेकिन वो वही जगह पे सुंदर है, लेकिन पूरा सिटी में 90% जो सिटी है उसमें बहुत गंदगी फैली है। अभी कल नाला सफर ईस्ट में हम लोग गए थे तो इतने गटर खुले हैं, इतने चैम्बर्स टूटे पड़े हुए हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। हमारी कार्यकर्ताओं ने अलकापुरी रोड एरिया में एक पूरा गटर का लाइन है उधर रिपेयर करने के लिए लेटर दिया है, लेकिन आज तो कोई उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। पर वसई विरार महानगर पालिका के लोग बोलते कि वो काम करते हैं, करते हैं, लेकिन तो फिर वो वैसा खुला क्यों है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आयुक्त साहब को बोल रहा हूँ कि सर आप बाहर आइए और आप देखिए कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जिस ब्यूटीफुल सिटी को बना रहे हैं ना, वो वही अपना एक 100 स्क्वायर फुट का एरिया देख रहे हो, शहर बहुत बड़ा है, बच्चे गटर में गिर के मरते हैं, बहुत गंदगी फैली हुई है और आपको लगता होगा आपने शहर सुंदर बनाया है, ये आवाज पूरे महाराष्ट्र और देश में जाएगी कि नाला सफाई को भी पुरस्कार मिला है, वो गलत पुरस्कार मिला है। आप एक बार बाहर आके देखिए कि शहर कैसा है, बहुत गंदगी फैली हुई है इधर उधर, बहुत सारी गटर है, हम लोग को एक गटर का एप्लीकेशन दिया है, बहुत सारी गटर है, बहुत सारे रास्ते है जहाँ ये सब गंदगी फैली हुई है, तो ये सब झूठा मूठा सरकार को दिखाने का, महाराष्ट्र सरकार को या मीडिया वालों की कि हमारे शहर बहुत सुंदर बन रहे, ये सब झूठ बात है। आप, मैं तो मीडिया से, बड़े बड़े मीडिया वालों से भी बोलूंगा कि आप आके हमारे शहर को एक बार देखो। सर आपने इसके रिगार्डिंग मनोज वनमाली को लेटर वगैरह डाला है? हाँ, उनको एक हमारी कार्यकर्ता रिजवान भाई जो है अलकापुरा में, उन लोगों ने लेटर दिया है कई दिनों पहले कि आप आके वो गटर देखो, वो बोलते हैं कि गटर का काम हो रहा है ना, गटर का काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी ये विषय है ना, जो भी विषय है वहाँ पे जाओगे, सुने ना सर, सुने मालूम है सर, ऊपर जाएंगे ना क्या करेंगे, लिखित में आश्वासन दे देंगे, बोलेंगे आपका काम हो जाएगा, फिर भी नहीं होता है। वनमाली सर आप सीधे बैठे डी प्रभाग में बैठे, डी प्रभाग में ट्रांसफर इधर आ गए, हर एक जगह पे उनका ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन ट्रांसफर काम कहाँ से हो रहा है? ई प्रभाग में आप बताओ रास्ते में कौन सा सर गटर का नाला? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। लोग टैक्स भरते हैं, संपत्ति भरते हैं, तब जाके आप लोगों को ना पता। मैं, मेरा नाम रिजवान खान है, मैं इस वक्त प्रभाग समिति नगर पालिका नाला सुपारा वेस्ट के पास अभी हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर सोए हुए हैं, ये इसके लिए करना पड़ रहा है कि वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी को हम लोगों ने बड़ी मात्रा में लेटर दिया है, बड़ी मात्रा में लेटर दिया है और उसका फाइल है मेरे पास, पर वो लोग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है और इसके लिए ये काम हम लोगों को करना पड़ रहा है, यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है प्रभाग समिति की के सामने। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष श्यामसेन वाज जी और हमारे पार्टी के बड़े लीडर सुनील शाह जी,
आज यहाँ पे सब मौजूद है, बात करते हैं सुनील शाह जी से। सर आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी से सुनील शाह। पूरे नौ प्रभाग में हर साल कहीं न कहीं एक चैम्बर के ढक्कन जो खुले होते हैं उसमें किसी न बच्चे की किसी न महिला की जान जाती है। नगर पालिका अंधी बहरी हो चुकी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए, लोगों का टैक्स चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर एक आदमी अगर घर पट्टी भरता है तो लाखों करोड़ों रुपए घर पट्टी नगर पालिका में आता है। तो जब नगर पालिका में जो करोड़ों उनका टैक्स आता है तो टैक्स की वजह से उन्हें रोड क्यों नहीं बना पाते हैं लोग? क्या एक गटर का चैम्बर बनाने के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता है? क्या रोड बनाने के एक डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता है? जो भी नगर पालिका के लिए जो अवैध वसूली होता है, जो फेरी वाले का अवैध वसूली होता है, बंद क्यों नहीं होता है? इसका मतलब हो गया कि नगर पालिका के जो भी सहायक तो उसकी साठगांठ होती है, वहाँ के जितने भी छोटे मोटे कर्मचारी उनकी साठगांठ होती है। अरे जो आम जनता जो टैक्स भरती कभी उसके बारे में नगर पालिका क्यों नहीं ध्यान देती है? हमारा जो आंदोलन करने का मेन मकसद है कि नगर पालिका ई विभाग के जो हमारे सहायक थे, हमारे मनोज वनमले साहब, उनको ये बात कान में डालना कि सर आपका हमेशा तबादला होते रहता है, कभी आप डी प्रभाग में रहते हो, कभी बी प्रभाग में रहते हो, हर प्रभाग से आप जुड़ते आते हो, लेकिन आपके आने से दूसरे जगह आने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाने के लिए आपको कम से कम लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उन सुविधा के लिए आपको काम करना चाहिए, आप क्यों नहीं करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गटर का रस्ते का गटर की साफ सफाई होनी चाहिए, चैम्बर बननी चाहिए। तो हमारे वनवाली साहब को या नौ प्रभाग के जितने भी सहायक को क्यों ऐसी तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है कि वहाँ पर चैम्बर नहीं बनते, रस्ते की साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ के जितने भी साफ सफाई के कर्मचारी है सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिसको देते हैं उनको वर्दी नहीं दिया जाता है, उनको कपड़े नहीं होते हैं। बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो प्रभाग समिति ये हमारा नालासोपारा इसके ये है, ये क्या इंजीनियर है जो अमित पाटिल को मैंने कम से कम 15 से 20 बार फोन किया है और उनको मैंने मिलने के लिए भी बोला है कि सर आप आके मिलिए। वो उनको जो गटर का भी चैम्बर का भी भेजा है वो देखने के बाद वो बंदा रिप्लाई नहीं करता है, ना वो मिलने के लिए रेडी है। उन्होंने बोला है कि आपने जो लेटर दिया है मैंने उस पर कोटेशन भेजा है नगर पालिका को। मैंने उनको ये भी बोला अगर आपने कोटेशन भेजा है तो आप फाइल बताइए, किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा रहा है और इस तरह के इंजीनियर को हायर करके रखा हुआ है, ये सीधा का सीधा भ्रष्टाचार और झोल है। सबसे पहली बात है अमित पाटिल जिसके हाथ में डिपार्टमेंट है, वो जितने भी इनके जो अधिकारी को पेमेंट आता है, आपको पता है दोस्तों सब जो टैक्स के वजह से इनको पेमेंट आता है। जिस दिन अगर एक आम आदमी अगर टैक्स भरना बंद कर देना तो ऊंचे ऊंचे जगह पे लोग जो बैठे हैं ना उनको जमीन पे आ जाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के वजह से उनको पगार मिलता है। अभी कुछ अधिकारी से बात करेंगे तो अपने दांत दिखाते हमको क्या करना है। अरे जिसके घर में तकलीफ होता है, जिसके घर में कुछ तकलीफ होता है वो आके बता सकता है ना। हम स्लम साइड में रहते हैं, हमें पता है ना वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पीने के पानी से लेके गटर से लेके रस्ते से लेके हर चीज़ की तकलीफ है, तो हम टैक्स क्यों भरे? मैं सभी जनता को जितने भी हमारे वीडियो तक जहाँ तक पहुँचेगा सबको बोलता हूँ इस बार टैक्स कोई नहीं भरेगा। पूरे विरारवासी में जितने भी स्लम एरिया है कोई टैक्स नहीं भरेगा। टैक्स इसलिए नहीं भरेगा, पहले उनको बोलो हमारा गटर बना के दो, रोड बना के दो, रास्ते बना के दो, हमारे गली में लाइट लगे तब हम टैक्स भरेंगे, इसके अलावा हम कहीं भी टैक्स भरने वाले नहीं है। यहाँ पे दिखाएंगे वो बोल रहे सुनील भाई आप ऊपर ऊपर आके बात करते।